अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की जो ख़बर है वो ये है कि जो मेरे साथ लड़के काम करते थे ना, जिस जगह पे मैं काम करता हूँ, तीन लड़के जिसमें से कादिर शेफ़ जो अक्सर मेरे साथ आपको व्लॉग में नज़र आता है, और याकूब और सुलेमान, ये तीनों जो उनसे हैं ना, ये काम छोड़ के चले गए। अभी तकरीबन सुबह का टाइम है, इस वक्त मैं फ़्रेश होकर भी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के ऊपर। लेकिन जी ये बिल्ली माशाल्लाह बहुत अच्छी है। पहले यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट कैट्स थी ना, हैं पहले यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट कैट्स होती थी वो भाग जाती थी, पास भी नहीं आती थी। ये बचपन से छोटी सी थी, पैदा हुई थी इधर ही है, और ये भी हमारे पास ही होती है अक्सर। इसको जब भी बुलाओ ये आ जाती है, इसको खाना खिलाओ खा लेती है। चाबी दे देना, वो दे देगा आज। आपको पता है ड्यूटी पे जाने के लिए मैं सारा सामान जो है वो अपनी दुकान से ले जाता हूँ, क्योंकि दुकान बंद है। देखा अभी आपके सामने मैंने खोली है, क्योंकि अबू घर गए नाश्ता करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ से सामान लेके जल्दी जल्दी ड्यूटी पे जाऊँगा, क्योंकि मैं ड्यूटी से आके लेट हो रहा हूँ। अभी टाइम बहुत कम है। एक जूस सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आपको भी रोज़ पीना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं सामान लेके जा रहा हूँ अपने साथ साथ। उसके लिए मैं लूँगा चुकंदर, यहाँ से दो चुकंदर हैं जिसको बीट रूट भी कहते हैं, चुकंदर ले लिया। उसके बाद लेनी है आपने गाजरें, गाजरें नज़र के लिए भी बहुत अच्छी हैं। आपको पता है मेरी नज़र भी कमज़ोर है, मैं यहाँ से गाजरें ले लूँगा। ये एप्पल येलो वाले, रेड वाले नहीं लेने, येलो वाले लेने, इसमें जूस ज़्यादा होता है। सैदपुर में रेनोवेशन का काम लगा हुआ था, काफ़ी हद तक हो गया कम्प्लीट। वो मस्जिद में काम कर रहे हैं अभी भी, ये मज़दूर वगैरह सारे मिस्त्री लगे हुए हैं यहाँ पर, बाकी मस्जिद का काम कर रहे हैं। और यहाँ इसके बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काम चल रहा है। मस्जिद तो ये पहले बन चुकी थी, लेकिन इन्होंने दोबारा से इसको तोड़ के ना और दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं सारा। इन्होंने पत्थर से कितना खूबसूरत तरीके से बनाया है यहाँ पे। और ये वाला जो घर है ये भी तामीर हो रहा है अभी, यहाँ पे बाहर मलबा पड़ा हुआ है, आधा काम हो गया है, बाकी काम हो रहा है रास्ता रास्ता। तो ये भी काफ़ी बन गया माशाल्लाह से, खूबसूरत नज़र आएगा इंशाल्लाह। सामने जो मेन इंट्रेस्ट थी इसकी, इसमें भी काफ़ी काम हो गया, थोड़ा बहुत रह गया बस, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़े दिन तक। देखें माशाल्लाह ये कितना ज़्यादा इन्होंने बारीकी से काम किया है, कि एक चीज़ छोटी छोटी आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने बनाई है। अच्छा अभी मैंने बाइक यहाँ पे रोका है इधर ए बी ग्रोसर के सामने, उधर सुपरमार्केट में, यहाँ से मुझे अपने लिए थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है। और डिमांड कौन सी आई है, बटर यहाँ पर है, बटर बटर ये कितने पाँच, ये देखें कितने की है। सही है जी, अब मैंने ये सामान ले लिया यहाँ से। अभी जैसे आपको पता है पानी के बगैर इंसान नहीं चल सकता, पेट्रोल के बगैर उस तरह गाड़ी नहीं चल सकती, तो अभी इसमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत है। दोस्तों काम पे हम पहुँच गए, निमान शुमान हमने रख दिए इधर। रैन भाई से मुलाकात करें, बड़े पहले आपने रैन भाई को देखा। रैन भाई क्या कोई नई ताज़ी है आपके लिए? कल फिजियो कराई है, उसके बाद भी काफी पेन हो रहा है, मैं दोबारा जा रहा हूं डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए। फिजियोथेरेपी कराई है कल? फिजियोथेरेपी कराई दोबारा। भाई साहब की बकी में दर्द है जी पीछे कुछ, ये देखिए क्या लगी किस तरह। ये हाथी गिरा है सर, हाथी का वेट था 106 kg, ऊपर गिरा है, ऊपर गिरा है तो अल्लाह ने बचा लिया। रैन भी कह रहे हैं हाथी ऊपर गिरा है, हाथी तो नहीं इंसान ही है लेकिन वो गिरा है बहुत, उसका 106 किलो वजन है। तो शुक्र है रेड गेडी बच गई, पीछे क्लास लगी है डॉक्टर है, मैं ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ। तय भैया डीप क्लीनिंग कराई आज माशाल्लाह, सारा कुछ चमक रहा है क्या। वाह जी वाह, शाह साहब की स्किल चेक करें, एक और बार, एक और बार शाह साहब, एक और बार, एक और बार, हाँ वन मोर टाइम। ये चीज़ आज क्या बनाया खाने में, खोलो कुकर। अभी नहीं बनाया, अभी बनाएंगे चने का सालन। चने का सालन बना रहे हो जी? और चने का सालन मानेर जी बनेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कैसा बनता है। सारी जगह के ओनर है, उनका ऑर्डर आया है ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का, तो अभी उनका हमने ऑर्डर लगाना है, ठीक है। उसके लिए ये मानी तैयार की है, ये जब मानी लगेगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मानी कैसे लगती है। उसके अलावा उनका ऑर्डर होता है मानी के अलावा जूस फ्रेश एप्पल का और पोमी का, ये पोमी सीड्स निकाल लिए और एप्पल ये पड़े हुए हैं। उसके अलावा उनका होता है फ्रूट सैलेड, ये फ्रूट सैलेड रेडी कर रहे हैं मोहिन भाई, ठीक है। फ्रूट सैलेड इधर रेडी हो रहा है और इधर मानी रेडी हो रही है। मानी देखें जी कैसे तैयार होती है माशाल्लाह, ये मानी मुझे बड़ी पसंद है, ये बड़ी नरम नरम होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। अब ये सिरप बनाया है ना, इसको इसके ऊपर डाल दिया तवे पे, अब इसको ऐसे गोल गोल करेंगे रोटी की तरह, ये देखें इस तरह, जब गोल गोल होगी यहाँ से जब रोटी तैयार होगी पक के, फिर मैं आपको बताऊँगा ये कैसे बनी है, ठीक है। इतनी देर जो हमारा काम है हम अपना काम करते हैं, जूस निकालते हैं हम।
ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यकूब भाई मैं छोड़ के जा रहे हैं जी। यकूब भाई इधर आओ यार, आपसे बड़ा टाइम अच्छा गुजरा आपके साथ, फिर इंशाल्लाह होगी मिलने मेरी, इंशाल्लाह चल जाएगी। वीडियो बनाओ जरा। ओ जरा आर्डर लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, आर्डर लेट हो रहा है, आर्डर लेट नहीं करना, नहीं करना, कम करना है, कम करना है, आर्डर लेट हो रहा है, क्या हो जल्दी काम करो सारे आप इधर। यस बस इसमें का अपना दवाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे ओ कल मतलब कब उठवा दो रिसेप्शन से, ओके मैं कॉल करता हूं। मोहन भाई रिसेप्शन से कब उठा देना यार, ओके। अब मशीन हम ऑन करते हैं जल्दी ताकि आर्डर लेट ना हो। सेब को हम यहाँ से नहीं डालेंगे, जूस यहाँ से बाहर आएगा, ऊपर से हम ही डालेंगे ऐसे सेब, यहाँ के से बाहर आएगा। हमने जूस निकाल दिया, फिर इसको यहाँ से मशीन को हम बंद कर देंगे। इतनी देर में ये मोइन भाई ने फ्रूट सैलेड भी रेडी कर दिया, माशाल्लाह फ्रूट सैलेड बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा खूबसूरत फ्रूट सैलेड रेडी किया मोइन भाई। आपके हाथ में तो बड़ा जादू है यार। अच्छी बात है यार, ये बड़ा अच्छा नाश्ता है माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे मानी देखें, मानी आस्ता आस्ता रेडी हो रही है, और मानी रेडी हो रही है। इधर एग भी रखा है बॉयल करने के लिए, एग भी उन्हीं का ऑर्डर होता है, तो अभी हमारा पोनी का जूस रहता है, हमने एप्पल का निकाल दिया, एप्पल का जूस हमने इसमें डाल देंगे अभी इस तरह से। हमने ये पोनी का जूस निकालना है, देखिए सबसे पहले हम पोनी को छोड़ेंगे, डाल दिया पोमी को, जो सही है जो बाकी थोड़ा पोमी बच गया इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डाल के अब हम मशीन ऑन करेंगे ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो। इस शक्कर में हम डालेंगे अब एप्पल का जूस, एप्पल का जूस इसमें, पोमी का जूस इसमें, अपने इन दोनों का मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी आइस है, थोड़ी सी हल्की सी आइस इसमें हम डाल देंगे अब, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जो हमारे ओनर थे उनके भाई आए हैं, उन्होंने भी ऑर्डर दिया, वो कह रहे हैं हमारे लिए भी ये फ्रेश जूस रेडी करो, तो अभी एक हमने रेडी किया फिलहाल, और इसके लिए हम यूज करते हैं सर एक बार हमें डालना है इसके अंदर। इसको अब हम रैप करेंगे ताकि इसके अंदर कोई मक्खी मच्छर ना चला जाए। जूस हमारा रेडी हो गया माशाल्लाह, लाल लाल पोमी है। पोमी की सीड्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस हैमर का यूज करेंगे हम, अगर आपके पास हैमर नहीं है देखिए इस तरह इसका पूरा जो जूस है ना वो सारे सीड्स पोमी के निकल रहे हैं इस तरह, पूरा खाली हो गया है। पोमी हमने दोनों निकाल दी, दोनों खाली हैं। हम तीन और हमें एप्पल चाहिए निकालने के लिए जूस, और हम इन तीन एप्पल के साथ निकालेंगे पोमी का जूस, जो हमने अभी पोमी पील किया और उसके सीड्स को अलग किए, ठीक है। अगर कोई बंदा ये जगलिंग सीखना चाहता है कमेंट कर दे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा। अभी हम एप्पल का जूस निकाल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी ऑर्डर लेट ना हो, जिन्होंने भी ऑर्डर दिया तकरीबन 3 मिनट हो गए। पोमी शीट हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, पोमी के अंदर डाल देंगे। अब हम मशीन ऑन करेंगे फिर। इसके अंदर हम डाल देंगे Thank you.
अच्छा क्लिप नहीं हम इधर अंदर रखेंगे। जूस रेडी है मोहन भाई, ये लो जूस दे अंकल को, ये ले जो इस पर रख के ले जो, इसके ऊपर रख के ले जाना ठीक है सर। शान के ठीक है, इसके साथ साथ हमारा एक बॉयल है जो कि हो चुका है, मानी हमारी रेडी हो रही है, और शेफ साहब मानी अभी तक रेडी नहीं हुई यार, जूस बन गए हैं। देर से मैं जाकर टूटी थी, क्यों टूटी थी आप चेक नहीं की पहले पहने से? देखी थी हाँ चल की थी, हाँ चल की थी, इसलिए देखना अभी टूट ना जाए ठीक है। पहले जो मानी बनाई है थोड़ी खराब हो गई है, वाह वाह एक और बार करो देखना इसको ना तोड़ देना यार। कॉल आ गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी मेरे नाम के बंदा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सुनाओ, आ रही आ रही, दो पीकी चाहिए ओके, दो पीकी चाहिए डॉक्टर इश्तियाक के साथ पार्टी से भिजवा देता हूं। हां बस भेज दे, ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत मजे की नरम नरम होती है ये। आ गई अंडा रखो जल्दी साथ साथ, इसके ये था एक अंडा रखो, अंडा बॉयल निकाल दो, बॉयल हो गया अंडा तो नहीं टूट गया, ये अंडा देखें जी अंडा भी रेडी हो गया है। इसके साथ और क्या ऑर्डर था? फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड किधर है? फ्रिज में। फ्रूट सैलेड भी निकाल दिया, मुझे फ्रूट सैलेड पड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीन ऑर्डर आ गए, साथ एक अंडा रह गया बस, ये अंडा निकालेंगे और दे देंगे। ये दो फीकी चाहिए, ये पूरा ऑर्डर रेडी है, दूसरा भिजवा दिया मैंने, मानी आ गया, जूस आ गया, फ्रूट सैलेड आ गया और वो अंडा आ गया ठीक है। इसके साथ वो रखो, फोन रखो और ये भिजवा दो ठीक है। इधर मैं तब तक चाय देखता हूँ। वालेकुम सलाम जी, मुजम्मिल भाई भी आ गए, सुनाओ मुजम्मिल भाई क्या हाल है? ठीक हो? सही तबीयत ठीक है, खैरियत से हो? नींद पूरी की है? कर दी है? मोइन भाई भी आ गए जी, मुजम्मिल भाई तभी आ गए, वीडियो बनाएंगे यार साथ साथ आज, इलायची डालेंगे इसमें तोड़ के, क्योंकि इलायची का बड़ा टेस्ट नहीं आता। मतलब मैंने आपको बताया था, मैं जब दुकान से आ रहा था मैं अपने लिए कैरेट बीटरूट और एप्पल ले गया था, इसका जूस मैं पीता हूँ खुद क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, ये इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुरू हो जाओ, मुन भाई ने ऑर्डर दिया, मुन भाई कह रहे शुरू हो जाओ, देखते हैं अब क्या होता है जी। टेस्ट करो उसमें दो पीछे करा दूँ मैं, टेस्ट करो उसमें दो दो पीस करेंगे फिर इसके हम करेंगे चार पीस तक, ब्लेड के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़ेगा, ब्लेड खराब ना हो। ये आपके सामने अभी बारी है, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा देखें जी, सुभान अल्लाह, इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे बिल्कुल कुछ इस तरह से। कुल मिला के हमारे पास ये सामान इकट्ठा हुआ है जी, सारी चीज़ें, थोड़ा सा हमने मिंट भी ऐड किया है क्योंकि इसके मैजन में गरमाइश नहीं होती, और इस सारे से जूस निकलेगा तकरीबन एक गिलास। चलो सब ना दो, देखें जी इसका सारा, इसके अंदर से जो इसकी वेस्टेज है वो निकल रही है, बिल्कुल रुकी रुकी है, इसमें जूस ख़त्म हो गया क्योंकि सारा जूस उधर निकल गया। जूस हमारा मुकम्मल हो गया जी निकल गया, अब देखें बिल्कुल मिला के पूरा ग्लास बना या नहीं बना, थोड़ा इसका कलर गाढ़ा होगा ज़्यादा क्योंकि इसमें हमने चुकंदर ज़्यादा डाला है। देखिए ये बड़ा ग्लास पूरा निकला, ये कितने ग्राम का है इसमें, कितने ग्राम का? 500 से ज्यादा है, 500 ml से ज्यादा है मिजान भाई, ये आधा लीटर जूस निकला जी, इसमें से आधा लीटर जूस। ये आप 30 दिन के लिए पिए लगातार, आपके जिस्म में जितने खून की कमी है, जितने प्रॉब्लम है, जितनी कमजोरी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, विटामिन की कमी है, सारा कुछ पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह इसी से। इसमें मजीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, अनार अनार ऐड करें, अदरक थोड़ी सी ऐड कर दें, आपको ज़्यादा फायदा देगी, और उसके अलावा आपकी मर्जी है जितना वो डालें उतना मीठा होगा, जो कुछ भी मैं ऐड करें। मतलब शुगर गुड़ डालना लाजमी होता है? गुड़ नहीं, अदरक अदरक आप कह रहे हैं जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा यार, ये तो अच्छा ये
अभी हम ये जूस पियेंगे जी, और किस किस चीज का ज्यादा टेस्ट आ रहा है टेस्ट करके बताए। ज्यादा फ्लेवर फिजान में कौन से फ्रूट के? जो बीटरूट है ना वो हमने कम डाले, सिर्फ दो बीटरूट डाले, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। एक बंदा एक बीटरूट खा भी नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा हैवी होता है इसलिए। तो जो उसका जूस होता है वो किसी तरह ज्यादा ताकतवर होता है, उसमें ज्यादा तासीर होती है। इस किस्म में जो ज्यादा टेस्ट आ रहा है ना वो आ रहा है बीटरूट का, हालांकि मैंने सबसे ज्यादा इसमें गाजर डाली है। फिजान भी एक और मेरा क्वेश्चन है यार, अब मैं जैसे कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, आपको बताया, अब मेरे घर में ये वाली मशीन नहीं है, मेरे पास वो जूसर है, मैं उसमें बना सकता हूँ ये सारा? ये वाला क्वेश्चन सर बहुत बहुत अहम है, ये वाला मैं नहीं सिर्फ हर कोई बंदा पूछना चाह रहा है। आपको बताता हूँ पुअर फैमिली का जवाब मैं आपको देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे अपने घर में मशीन नहीं है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ पे मशीन है, मैं यहाँ पे बना के पी रहा हूँ, ठीक है। फ्रूट मैं खुद घर से ले गया हूँ और मेरे अपने घर में ये मशीन नहीं। लेकिन अगर आपके घर में ये मशीन नहीं है तो आप अगर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप में से लोग ऐसे होंगे, गरीब भी लोग हैं, वो भी पिज्ज़ा खाते हैं, वो भी बर्गर खाते हैं, बाहर से जंक फूड खाते हैं, वो भी फालतू की चीज़ों में पबजी के टॉपअप खरीदते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको पता है कि मुँह में पैसे डालते हैं, ठीक है, फालतू पैसे फालतू जगह पर ज़ाया करते हैं, गरीब होने के बावजूद अपने पैसों से यूसी खरीदते हैं पबजी के अंदर, जो उनको कोई फ़ायदा नहीं देते। अगर आप कोई 5-6 हज़ार रुपये की मशीन ले लेंगे जो आपकी आगे 3-4 साल 5 साल चलेगी, और वो पैसे आप मशीन में इन्वेस्ट कर दें, फ्रूट तो उतना महंगा है नहीं, 50 रुपये की गाजर है, 20-30 रुपये का चुकंदर है, और ये भाई येलो सेब है, इतने सस्ते, ये तकरीबन 100-150 रुपये का फ्रूट है सिर्फ। 150 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी फ्रूट आप करें ना 200 रुपये का आपका फ्रूट लगेगा सिर्फ, और उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा बेनिफिशियल, इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल पता नहीं 700-800 की है जिसमें शुगर और बीमारियाँ नहीं हैं, लेकिन ये फ्रेश जूस है, फ्रेश फ्रूट से बना हुआ है, इसके अंदर न्यूट्रिशन है, विटामिन है, आपको फायदा पहुंचाने वाली चीज़ें, सिर्फ 200 रुपये आपके यहाँ खर्च नहीं कर सकते। बेशक गरीब भी है जैसे भी है, कितने पैसे तो खर्च कर सकता है, अगर वो 200 रुपये अपनी सेहत पर खर्च नहीं कर सकता तो फिर उसको फिर सेहतमंद रहने का हक भी नहीं, अगर वो बाकी जगहों पर खर्च कर सकते हैं। और ठीक है, आपने बहुत यार, अगर आपके पास जिम जाने के पैसे नहीं है, वर्कआउट करने के पैसे नहीं है, फिर बंदा मान सकता है, चलो यार उधर आप महीने का 1700-2000 रुपये नहीं दे सकते, अगर तो आप घर में एक्सरसाइज करो। मैं घर में एक्सरसाइज करता रहा शुरू में, अभी तो मैं मेरी जॉब लगी है तब मैं जाके जिम वगैरह करता हूँ, पहले मैं घर में एक्सरसाइज करता रहा स्टार्टिंग में। अच्छा फिजान भी, अगर जूसर मशीन हो घर में तो उसमें ये सारा फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल ऐड करके बंदा पानी डाल के चुना सकता है? इससे अलग जूस निकलता है, जो ब्लेंडर है उससे इस तरह का जूस नहीं निकलता, उसमें आपको पहले पानी ऐड करना पड़ेगा, इसको ब्लेंड करेंगे, फिर उसको निचोड़ेंगे दुबारा सही, और उसकी असल तासीर फिर भी जो है वो कचरे में जो उसका वेस्टेज है उसमें बचेगी, और पानी उसके मतलब बीच में ऐड होगा, पानी उसमें पानी भी ऐड होगा, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं है, ये ताज़ा रस है, और जो वेस्टेज निकली है वो आपने देखी है कि बिल्कुल रुकी रुकी सी ड्राई ड्राई थी बहुत ज़्यादा। चले आज का व्लॉग लगता है बहुत लंबा हो गया, आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, ये एनर्जी ड्रिंक आपने लाजिम ना के चेक करनी है, और अपने फैमिली में भी सारा बताया करें, ठीक है, और कमेंट में बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।